एक हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों का सवाल कुछ ऐसा है। देखिए, ये जो है ना, इसके लिए एसक्यूएल की कोडिंग लिखनी है, ठीक है? अब 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, जो भी हो, तो इसके लिए मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, इसके लिए एसक्यूएल का कोड लिखना है। अब आप सपोज करिए कैसे ये कोड लिखा जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है। कैसे कैसे ये कोड लिखा जाएगा, स्टेप वाइज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा भी दिक्कत हुई तो मतलब इधर उधर हो जाएगा, आउटपुट सही नहीं आएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं एसक्यूएल की कोडिंग। यहां पर आएंगे, ब्लैंक डेटाबेस पे चलेंगे, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है, अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर है तो सबसे बेस्ट, अगर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं। तो ये आ गए क्रिएट पर, और जैसे ही आप क्रिएट पर आएंगे, आपके सामने कुछ नया सिनेरियो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सीधा क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पर जाने के बाद यहां क्वेरी डिजाइन पे आ जाना है। क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही आते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है, यहाँ टेबल वन बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आ जाता है, आप इसको क्लोज कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, क्लोज कर देना है, और यहाँ आ जाना है सीधा एसक्यूएल पर। तो अभी हम आ चुके हैं एसक्यूएल की क्वेरी पर, और अब हमको टेबल बनाना है। तो आपको याद है कैसा टेबल था, ये देखिए फिर से दिखाता हूं, देखिए देखिए यही है ना। तो यहां पर तीन कॉलम्स, तीन रो, तीन कॉलम्स बने हुए हैं, हमें ये हमें भी यही करना है। तो चलिए आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको हटा दीजिए, सेलेक्ट लिखा हुआ है, यहां पर लिख दीजिए आप क्रिएट, तो ये क्रिएट लिख देना है आपको। और क्या बना रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, तो यहां पे लिख दीजिए टेबल, टेबल लिख दिया। अब आपको क्या करना है, टेबल आप किस नाम से बना रहे हैं, ठीक है, वो दे दीजिए, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूं स्टूडेंट के नाम से, तो ये लिख दिया मैंने स्टूडेंट टी, टी का मतलब टेबल, समझ गए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान दीजिएगा छोटा वाला कोष्ठक ओपन किया है मैंने, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है? तो स्मॉल ब्रेसेस ओपन किया मैंने, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर डिसाइड करना है कि पहला जो हमें करना है, पहला जो कॉलम बनाना है उसमें क्या रखना है। तो देखिए, पहला जो कॉलम बनाना है उसमें हमें नेम रखना है, ठीक है? तो नेम के लिए हम बनाने जा रहे हैं, तो चलिए ये नेम के लिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहां पर लिख देना है नेम, एन ए एम ई, ये नेम लिख दिया। और यहां पर नेम कौन सा डेटा टाइप होगा, नेम कौन सा डेटा टाइप होगा, नेम जो है आपका टेक्स्ट डेटा टाइप हो सकता है, वेर कैर हो सकता है, आप यहां टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वेर कैर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप यहां पे नेम को टेक्स्ट डेटा टाइप बना दीजिए, और टेक्स्ट डेटा टाइप जैसे ही आप बनाएंगे तो आपको यहां पर लगाना है कॉमा, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा करके एंटर करिए, नीचे आइए, ठीक है? अब ये नेम तो हो गया टेक्स्ट डेटा टाइप, दूसरा जो हमें करना है वो क्या करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूसरा हमें क्लास बनाना है, तो क्लास के लिए क्या करेंगे, क्लास के लिए हम यहां पर इंटीजर डेटा टाइप रख लेते हैं, तो यहां पे लिखता हूं क्लास, ठीक है? और यहां पर इंट डेटा टाइप रख लेता हूं, आई एन टी इंट, ठीक है? क्लियर हो गया, ये हो गया। अब कॉमा देता हूं, फिर नीचे आते हैं। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लिया जाए, सब्जेक्ट है, ठीक है? तो यहां पर सब्जेक्ट आपको देना है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एस यू बी जे ई सी टी, जो सब्जेक्ट की स्पेलिंग है वही लिख दीजिए भाई, बहुत आसान है, देखिए एक बार समझ लेंगे ना तो आसान हो जाएगी, हो जाएंगी चीजें, ठीक है? और नहीं तो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम से पीड़ित रहेंगे, क्योंकि पुराने टीचर्स हैं, उनको कंप्यूटर सही से पढ़ाया नहीं गया है। कंप्यूटर क्या, जो पुराने टीचर्स हैं उनके जमाने में कंप्यूटर को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब कंप्यूटर साइंस लगवा दिया गया क्लास ट्वेल्थ में, अब ट्वेल्थ में लगवा दिया गया, टीचर ने पढ़ाया नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। तो ये ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लेंगे तो काम हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट को भी आप कैरेक्टर वेर कैर रख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट भी रख सकते हैं, तो यहाँ चलिए इस बार मैं वेर कैर रख लेता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने वेर कैर, और इसमें ये भी बता दिया कि हम इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स दे सकते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ 20 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर से ज्यादा हमारा सब्जेक्ट होगा नहीं, तो ये लिख दिया मैंने। और अब एंटर करके नीचे आइए, इस ब्रैकेट को जो कि टेबल बनाते समय आपने ओपन किया था, इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया, काम हो गया आपका, रन पे क्लिक करिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट टी के नाम से टेबल आ जाएगी। अब डबल क्लिक करिए, देखिए वही चीज आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पर नाम में नाम लिख दीजिए ए, ठीक है? क्लास है तो क्लास में क्लास लिख दीजिए, जो भी क्लास है, जैसे ट्वेल्थ है तो यहाँ पे ट्वेल्थ लिख दिया। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात है तो यहाँ पे कंप्यूटर दिया था मैंने, तो यहाँ पे कंप्यूटर दे दीजिए, कुछ इस तरीके से हो गया काम। फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पे बी दे दीजिए, और बी देने के बाद यहाँ पे क्लास है ट्वेल्थ तो ट्वेल्थ दे दीजिए, और सब्जेक्ट है कंप्यूटर तो यहाँ पे कंप्यूटर दे दीजिए। इस तरीके से आप देते चले जाइए, जितना आपको देना है दे सकते हैं। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी कर दीजिए, और सी जो है क्लास टेंथ से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे टेंथ लिख दीजिए, ट्वेल्थ से बिलोंग करते हैं ट्वेल्थ लिख दीजिए, और कंप्यूटर तो सब्जेक्ट है ये है, तो ये सब हो जाएगा, बहुत आसान है। आई होप कि इसको देखने के बाद कुछ आपका, अगर बिगिनर होंगे तो कुछ चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आगे की वीडियो जिसे पे बनाता चलूंगा मैं, ठीक है?
थैंक यू फॉर वॉचिंग।